सिंधिया के बीजेपी ज्वाइन करने एवं राजस्व और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के इस्तीफे के मुद्दे को लेकर राहतगढ़ नगर के लोगों से बात की गई। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। उन्होंने धोखा दिया है, सरकी क्षेत्र की जनता को सरासर धोखा दिया है। उन्होंने वोटरों के साथ गद्दारी की है, पब्लिक के साथ गद्दारी करी, और हम तो कांग्रेसी थे, कांग्रेसी रहेंगे। आपका क्या नाम है? नाजिम कुरैशी। सिंधिया जी के बीजेपी में जाने से आप खुश हैं या नाराज? बहुत खुश हैं हम, बहुत संतुष्ट हैं उनके बीजेपी में आने से। ऐसा क्या है कि जो आप खुश हैं? क्या आशाएं, क्या उम्मीदें हैं आप? ये आशाएं हमें, ये उम्मीदें हैं मतलब सिंधिया जी से, कि जब भी खुद की पार्टी में रह के और इतनी बार मंत्री बनने के बाद, जो केंद्र के मंत्री बनने के बाद विकास नहीं करवा सके, और महिला सुरक्षा यानी और बेरोजगारी पे यानी इसकी पहल नहीं करी मंत्री रहते हुए केंद्र के, तो अब भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद में ये विकास कैसे करेंगे? तो आपको खुश नहीं होना चाहिए था, फिर नाराज होना चाहिए था। खुश मैं इसलिए हूँ कि इसलिए खुश हूँ कि वो मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में आए हुए, इसलिए मैं उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सिंधिया जी का बीजेपी में आने से विकास तेजी गति से चलेगा या और धीमी गति से हो जाएगा, क्या कहना है इस पर आपका? देखिए, आप खुद सोच सकते हैं कि जब सिंधिया जी खुद की पार्टी में बड़े बड़े मंत्री बनने के बाद में खुद की पार्टी में रह के विकास नहीं कर सके, तो ये भारतीय जनता पार्टी में आके विकास कैसे करेंगे? जिन विधायकों को जनता ने कांग्रेस का जानकर चुना था, क्या उन विधायकों का पार्टी बदलना जनता के साथ धोखा नहीं है? देखिए, मैं तो कहना चाहूँगा कि जनता ने, भोली भाली जनता ने जो विधायक चुने थे वो कांग्रेस का समझ के चुने थे, लेकिन जो विधायक बीजेपी में जा रहे हैं वो जनता के साथ एक विश्वासघात कर रहे हैं और धोखा कर रहे हैं। इतने वर्षों तक ज्योतिराव सिंधिया कांग्रेस में विभिन्न पदों पर रहे, यूपीए सरकार में केंद्र मंत्री पद में भी थे, ऐसे में उनका ये कहना है कि कांग्रेस में सम्मान नहीं मिला, कहना कितना उचित है? देखिए, सिंधिया जी को कहने में शर्म आना चाहिए, उनके लिए इतने बड़े बड़े कांग्रेस ने पद दे दिए थे, केंद्र मंत्रालय दे दी गई थी, उनके लिए इतना सब कुछ देने के बाद में ये इल्जाम कांग्रेस पे लगाना उनके लिए शर्म ना होना चाहिए। कमलनाथ सरकार लगभग एक वर्ष पूर्ण हो गया और मतलब कैसे विकास कार्य रहे, लगभग ऐसे कोई 5 विकास कार्य बताएं जो आपके? देखिए, जो विकास के जो वचन पत्र था जो हमारे कमलनाथ जी ने किया था, वो वचन पत्र के अभी वादे पूरे नहीं हो पाए, अधूरे हैं। जैसे बेरोजगारी भत्ते पे आ जाएं, और जैसे कि किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफ पे आ जाएं, बिजली के बिल हाफ पे आ जाएं, और जो बीमारों को स्वास्थ्य की व्यवस्था हो सकती थी उसके लिए आ जाएं, या लाडली लक्ष्मी योजना से जो लड़की की शादी करते हैं माता पिता उस पे आ जाएं, तो ये कोई भी योजना का लाभ अभी पहुंचा नहीं है जनता तक। कमलनाथ या शिवराज सिंह में देखा जाए तो आप मध्य प्रदेश सरकार में कौन को देखना चाहेंगे? देखिए, मैं तो शिवराज सिंह मम्मा को देखना चाहूंगा, किस लिए कि वे विकास की मध्य प्रदेश में चाबी रहे हैं, और उन्होंने विकास का जो पहिया घूमता है ना, बहुत तेज गति से चलता रहा, 15 साल भी सीएम रहे, बहुत तेजी से विकास होता रहा, और कोई भेदभाव की स्थिति नहीं थी, लेकिन जब से कमलनाथ जी बैठे हुए हैं तो बहुत भेदभाव की स्थिति बनी हुई है मध्य प्रदेश। लोग सिंधिया जी पर गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं, आप उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो जनता है वो सही है, और जनता जो आरोप लगा रही है वो सही लगा रही है, कि जो पार्टी का ना होगा वो हमारा क्या होगा, इसलिए आरोप लगाना उनका सही है। कुछ लोगों ने ज्योतिराव सिंधिया के पूर्वज पर रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी का आरोप लगाया, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, लाडली लक्ष्मीबाई जो रानी लक्ष्मीबाई जी थी, वो एक हक की लड़ाई लड़ी थी, और हक की लड़ाई का इतिहास लिखा जाता है। जैसे कि सुरखी विधानसभा क्षेत्र से राहतगढ़ मतलब सुरखी विधानसभा क्षेत्र वासियों ने राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत जी को काफी भारी बहुमत से विजय बनाया था, उसके बाद आज वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो हमारे गोविंद सिंह राजपूत जी हैं, जो उनको जनता ने कांग्रेस का समझकर एमएलए बनाया, लेकिन उन्होंने जनता के साथ धोखा किया, और जो खुद की पार्टी में रह के विकास ना करा सका, वो दूसरों की पार्टी में रह के विकास कैसा करा सकता है?
तो इसको आप क्या कहेंगे, मतलब धोखा है या क्या? मतलब धोखा कहेंगे, जनता के साथ धोखा है और विश्वासघात किया गया है हमारे एमएलए जी ने। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आसिफ खान। देखिए सर, जैसा कि जनता ने यहाँ सुर्खी क्षेत्र की, जो जनता है जो एक सुर्खी क्षेत्र परिवार है, जो मंत्री जी का परिवार है और मंत्री बहुत लोकप्रिय हैं इस क्षेत्र के लिए, तो इस जनता के साथ उन्होंने बहुत बड़ा छल किया, बहुत बड़ा, छोटा नहीं, बहुत बड़ा। जनता उन पर बहुत विश्वास करती है, मर मिटने के लिए तैयार रहती है। आपने देखा होगा कि चुनाव के टाइम पर रात दिन उनके कार्यकर्ताओं ने एक कर दिए, कहीं कहीं तक उन्होंने मार खाई उनके लिए। तो फिर आप किसके लिए सपोर्ट करेंगे, बीजेपी या कांग्रेस? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ना, मैं तो एक कोई राजनेता तो हूँ नहीं, मैं एक आम नागरिक हूँ। जो जनता ने जो बड़ी आशा से उम्मीद के साथ मंत्री जी के लिए चुना था, तो मंत्री जी के लिए ऐसा हरगिज नहीं करना था, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा हमारे लिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।